Chutki Bumchak is presented by Hausat in association with 5paisa.com. दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है। ऋषभ पंत की टीम ने एमएस धोनी की टीम को आईपीएल में लगातार चौथी बार हराया और इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स अब आईपीएल पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। दुबई में हुए इस मैच में टॉस जीतकर दिल्ली ने पहले फील्डिंग का फैसला किया और ये फैसला सही भी साबित हुआ। दिल्ली की बॉलिंग के आगे चेन्नई की बैटिंग पूरी तरह से बैकफुट पर रही। अंबाती रायडू के अलावा कोई भी बल्लेबाज दिल्ली के बॉलर्स के सामने कंफर्टेबल नहीं दिखा। रायडू 55 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके 85 की मदद से चेन्नई ने 20 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 136 रन बनाए। दिल्ली के लिए अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 2 विकेट निकाले, जबकि नौरकिया, अवेश खान और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। जवाब में दिल्ली ने 7 विकेट खोकर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए, जबकि शेमरॉन हेटमायर 28 रन बनाकर नाबाद लौटे। चेन्नई की ओर से रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट झटके, जबकि दीपक चहर, जॉर्ज हेजलवुड और ड्वेन ब्रावो को 1-1 विकेट मिला। अपने जन्मदिन के दिन मिली जीत से खुश डीसी के कप्तान ऋषभ पंत ने मैच के बाद कहा, जन्मदिन पर बुरा तोहफा नहीं है, लेकिन अंततः हमने इसे खुद ही कठिन बनाया। पृथ्वी ने हमें अच्छी शुरुआत दी थी और कम स्कोर होने के चलते हम हमेशा ही चेज में शामिल थे। शिखर ने अच्छी शुरुआत की। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बरकरार रखने के लिए अश्विन को नंबर 6 पर भेजा गया था। जाहिर तौर पर यह बड़ी जीत है और हम निश्चित रूप से टॉप 2 में फिनिश पक्की करना चाहेंगे। अभी तक टेबल के टॉप पर चल रही सीएसके इस हार के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है। हार से निराश कप्तान धोनी ने मैच के बाद कहा, हम 150 के करीब पहुंचना चाहते थे। हमने कुछ विकेट खोए और 15-16 ओवर तक हम अच्छे दिख रहे थे। शॉट्स खेले गए और अगर ये 8-10 गेंदों तक और रह जाते तो शायद कुछ अंतर आ सकता था। यह दोहरी गति वाला विकेट था, कुछ गेंदें आप तक आ रही थी और कुछ नहीं। ये ऐसा विकेट नहीं था जहां आप अपने शॉट्स खेल सके। मुझे लगा कि लंबे बॉलर्स को मूवमेंट मिल रही थी। बॉलर्स ने अच्छी कोशिश की, लेकिन पहले 6 ओवर्स में बहुत ज्यादा रन ना देना महत्वपूर्ण था। अब दिल्ली को अपने आखिरी मैच में 8 अक्टूबर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से भिड़ना है, जबकि चेन्नई का आखिरी मैच 7 अक्टूबर को पंजाब किंग्स के खिलाफ है। इस बीच बात करते हैं निवेश की। 5paisa ऐप से अब निवेश करना हुआ और भी आसान। 5 मिनट में डीमैट अकाउंट बनाएं और पाएं रिसर्च टूल्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, 0% ब्रोकरेज और 20 रुपीज पर ट्रेड पर। ये खबर आपके लिए लिखी है सूरज ने। कैमरे के पीछे दीपक और मैं मेघा, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।